नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। संघर्ष समिति ने केंद्रीय मंत्री चौहान को सौंपा ज्ञापन। रायसेन जिला बचाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर जिले के विभाजन को रोकने के लिए ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय मंत्री चौहान ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि रायसेन जिले के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले के विभाजन पर अंतिम निर्णय जनता के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। रायसेन जिला बचाओ संघर्ष समिति ने कहा कि जिले के विभाजन को रोकने के लिए वे जनता के साथ मिलकर प्रयास करते रहेंगे। इस मुलाकात को उनकी मुहिम में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल में हरीश मिश्र, कृष्ण मोहन चतुर्वेदी, संघर्ष शर्मा, मनोज कुशवाहा, हरित विश्वकर्मा और प्रवक्ता तिलक शाक्य शामिल थे। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट।